एक लड़की को अपने घर के पास जंगल में जानवरों का एक कब्रिस्तान मिलता है। उसे वहाँ लकड़ी के टुकड़ों से बनी एक बड़ी सी दीवार दिखाई देती है। वो उसे पार करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है, मगर एक बूढ़ा आदमी आकर उस पर चिल्लाने लगता है, जिससे वो डर के मारे दीवार से गिर पड़ती है। बूढ़ा आदमी दौड़ कर आता है और उसकी मदद करने लगता है। उसी समय उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है और उसे घर लेकर चली जाती है। एक दिन बूढ़ा आदमी लड़की के पिता को अपने पास बुलाता है और उन्हें लड़की की मरी हुई बिल्ली को दिखाता है, जो किसी हादसे का शिकार हो चुकी थी। वो दोनों रात में उस बिल्ली को दफनाने की योजना बनाते हैं, क्योंकि उसके पिता यह बात अपनी बेटी को बताना नहीं चाहते थे। रात में वे दोनों जानवरों के कब्रिस्तान पहुंचते हैं, जिसके बाद उसके पिता वहां गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी उन्हें रोकते हुए अपने पीछे चलने को कहता है। वे दोनों कब्रिस्तान में बनी दीवार को पार कर एक रहस्यमयी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते हैं। वहीं पर उसके पिता बिल्ली को दफना देते हैं और बूढ़े आदमी के कहने पर पत्थरों से एक छोटा सा चबूतरा बना देते हैं। अगली सुबह उसके पिता जैसे ही बिल्ली के बारे में अपनी बेटी को बताने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक वो बिल्ली जिंदा होकर वापस आ जाती है, जिसे देखकर उसके पिता हैरान हो जाते हैं।